एक साल में हिमाचल में 50 बार भूकंप। चार जिलों में सबसे ज्यादा बार डोली धरती। जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग अक्सर भूकंप के डर से सहमे रहते हैं। आपको बता दें कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील पांचवें जोन में पड़ने वाले हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में 50 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। उससे पहले भी 2021 के आखिरी महीनों में ही अक्टूबर और नवंबर में 6 बार भूकंप आया था। पहाड़ी राज्य होने के कारण बड़ा भूकंप हिमाचल के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता और सतर्कता से भूकंप के दौरान नुकसान को कम किया जा सकता है। बता दें कि हिमाचल के लिए राहत की बात है कि लंबे समय से किसी भूकंप में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर नियमित अंतराल पर कम तीव्रता के भूकंप आते रहे तो किसी बड़े भूकंप के आने के आसार भी कम हो जाते हैं। कई बार आम जनता के बीच चर्चा रही है कि 1905 में आए भूकंप की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसे 100 साल के अंतराल के बाद संभावित माना जा रहा था, लेकिन सौभाग्य से हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई आपदा नहीं आई है। इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि हिमाचल में चंबा, कांगड़ा और किन्नौर सहित शिमला जिले में अपेक्षाकृत ज्यादा भूकंप आते हैं। ये देखने में आया है कि एक दशक में बड़ी तीव्रता का कोई भूचाल नहीं आया है, लेकिन हिमाचल को हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। साल 2021 में शुरुआत में ही चंबा जिले में भूचाल आया था। 6 जनवरी 2021 को चंबा में 3.2 तीव्रता का भूचाल आया था। इसी दौरान जनवरी महीने में ही एक रात में मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और बिलासपुर में 3 बार धरती डोली थी। फरवरी महीने में 13 तारीख को शिमला में भूकंप आया था। इसी तरह अप्रैल महीने में भी 5 और 16 तारीख को चंबा और लाहौल स्पीति में धरती के अंदर हलचल से दहशत फैल गई थी। मंडी में पिछले साल 22 अप्रैल को भूकंप आया था। मई महीने में 8 तारीख को धर्मशाला में भूकंप आया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हिमालयी राज्य है, लिहाजा हिमालयन रेंज में किसी भी जगह आए बड़े भूकंप का असर हिमाचल में देखने को मिलेगा। साल 2022 फरवरी महीने में नॉर्थ इंडिया में रात के समय भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए थे। उस समय इसका केंद्र तजाकिस्तान और दूसरा केंद्र पंजाब का अमृतसर था। ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके हिमाचल के हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा और बिलासपुर में भी महसूस किए गए थे। इसके बाद साल 2022 में मार्च के महीने में भी 2-3 दिन में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। किन्नौर और चंबा में कम तीव्रता के झटके आए थे। नवम्बर महीने में 24 घंटे के अंदर 4 बार भूकंप आए थे। ऐसे में लोग ज्यादा डर गए थे क्योंकि मंडी जिले में आया झटका काफी तेज था। साल 2020 में भी कई बार धरती डोली है। उससे पहले 20 दिसंबर 2019 को अफगानिस्तान के हिंदू कुश रीजन में भूकंप का केंद्र था, जिसका असर कुल्लू, ऊना और कांगड़ा में भी नजर आया था। 2022 में 9 जनवरी को कांगड़ा की करेरी झील में भूकंप का केंद्र बना, तो उसके झटके मनाली में महसूस किए गए थे। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि हिमाचल में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हल्के हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही भूकंप का खतरा रहा है। अगर एक दशक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पिछले दशक में 2006 से 2016 तक 10 साल की अवधि में पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में 75 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंबा और लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा बार धरती डोली है। 75 भूकंपों में से 40 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 से कम रही है। आपको बता दें कि बीते 10 साल में हिमाचल में आए भूकंप में 42% का केंद्र जिला चंबा और चंबा की जम्मू कश्मीर के साथ लगती सीमा रही है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों आता है भूकंप। आपको बता दें कि जब पृथ्वी की सतह के नीचे ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेटलेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता ढूंढती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। आपको बता दें कि भारत में 2 भूकंप जोन है। भारतीय उपमहाद्वीप को भूकंप के खतरे के लिहाज से सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 जोन में बांटा गया है। पांचवा जोन सबसे खतरनाक माना जाता है। पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय क्षेत्र से जुड़े कश्मीर, पूर्वोत्तर और कच्छ करण इसी क्षेत्र में आते हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 और 5 में ही आता है और इसीलिए यहाँ ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।